फेमस वेडिंग प्लानर, तूने कभी तेरा सोचा है तेरी लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग कब मिलेगा? जब प्रिंस चार्मिंग आएगा सफेद घोड़े पे। व्हाट यार रागिनी, तुझे तो पता है ना मुझे लव में रोमांस में कितनी दिलचस्पी है। लेकिन रोमांस करने के लिए कोई तो चाहिए राय। अब मैं मंडप में खड़ी अकेले अकेले थोड़ी ना फेरे लूंगी। बस ओ मैडम, प्रिंस चार्मिंग तो तब मिलेगा ना जब तू लड़कों से मिलेगी। लगता है तेरे ही काम भी ना मुझे ही करना पड़ेगा। रियली ऑफ कोर्स डार्लिंग, अब कभी भी गलती से किसी के साथ भी ना तेरा स्पार्क दिखाना, तब देखना चुटकी में ना तेरी सेटिंग करवा दूंगी। लेकिन अब इस शादी पे कॉन्सेंट्रेट कर ले, यू नो जिया द बॉस आती ही होगी। हाय आई एम जिया। हाय आई एम माही योर वेडिंग प्लानर। माय फेरी टेल प्लानर। फेरी टेल ही मिलेगा। इफ दैट्स व्हाट यू वांट, गुड। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर हम सब सेम पेज पर होंगे तो बेटर होगा। यू नो मेरी जो फेरी टेल वेडिंग है उसका की वर्ड है लक्जरी, एक्सक्लूसिव, एक्सपेंसिव एंड एक्सट्रावेगेंट। यस एंड वन मोर थिंग, मैंने तुम्हें एक रिवाइज्ड गेस्ट लिस्ट फॉरवर्ड की थी जिसमें से कुछ गेस्ट के नाम मैंने क्रॉस आउट कर दिए थे बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि मेरी वेडिंग में वो क्रास और लाउड रिलेटिव्स आए। यू नो वैसे भी इट्स अ साउथ मुंबई वेडिंग सो उसमें वो टिपिकल अंकल जीज और आंटी जीज सूट नहीं करेंगे, है ना? या ऑफ कोर्स, या यू आर राइट, बट जस्ट फॉर अ क्लियर पिक्चर, क्या मैं एक बार दूल्हे से मिल सकती हूँ? यू नो अगर आप दोनों की ओपिनियंस मिल जाए तो फिर ऑफ कोर्स मिल सकती हूँ, वो बाहर ही है। उसका भी ओपिनियन ले लो, गो अहेड। ओके कम रागिनी। हे माही, वन मोर थिंग, ओपिनियन लेने में कोई हार्म नहीं है लेकिन एक बात याद रखना, मेरी वेडिंग में सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं चाहती हूँ। श्योर, चलो ओके रागिनी, सब नोट डाउन कर लिया। अच्छा जैसा भैया, ये बीच में क्यों रखा है? वो जल्दी टोकरी आप अंदर लेके जाइए, बहुत लेट हो जाएगा। और ये यहाँ से सब लाइटनिंग और सुन तू खुद आई एम रियली सॉरी। प्लीज आई एम सॉरी, माय मिस्टेक, मैं ही आपके रास्ते में आ गया। हाँ यहाँ तो स्पार्क ही स्पार्क है। आपको लगी तो नहीं ना? नो आई एम फाइन। Sure. क्या हो रहा है यहाँ पर? दिखता नहीं ये सामान गिर गया है, चलो उठाओ। Come on, move it. Hey, don't bother. मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो क्या हुआ? नौकर है, काम है उनका। So, come on, come on. It's okay. पहले जाओ, फिर बात। चलो, जाओ। Hello sir, मैं आप ही से मिलना चाहती थी। I'm the wedding planner, माही। Oh. तो आप मैम से मिल चुकी हैं, राइट? व्हाट? अपनी बीवी को मैम बुलाता है? मैम से? हाँ, जिया मैम से। वैसे उन्हें इस वेडिंग में हर एक चीज परफेक्ट चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आई नो ऑल ऑफ दैट, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने जिया से बात कर ली है, मुझे सिर्फ आपकी ओपिनियन जाननी थी, यू नो कि आपको ये वेडिंग किस तरह की चाहिए। ओपिनियन मेरा? बट व्हाई? व्हाई नॉट, आपकी भी तो शादी है और अगर दोनों ब्राइड और ग्रूम की ओपिनियंस मिल जाए तो यू नो काम थोड़ा इजी हो जाएगा। आई एम सॉरी बट शादी मेरी नहीं, शादी उनकी है। व्हाट, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने अभी अभी तो माही और इसमें जबरदस्त स्पार्क देखा है और इसकी शादी भी हो रही है। इस मामले में मेरा एंटीना हमेशा सही सिग्नल कैच करता है, फिर आज कैसे गलती हो गई? Really sorry. I said no, it's all right. Well, अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है। I'm Mahi, your wedding planner. Hi, I'm Ahan. स्पार्क तो मुझे अभी भी दिख रहा है।
Well, usually मेरे साथ ऐसा होता ही रहता है, so don't worry. अक्सर ऐसा होता नहीं है मेरे साथ, पर I don't know आज कैसे हो गया. Well, मैंने जिया से बात कर ली है. I just wanted to know कि आपका opinion क्या है, you know, regarding the decorations and arrangement. आपकी क्या opinion है? Well, it doesn't matter. जैसा जिया को पसंद है वैसा ही करें. Actually, that's really sweet. फिर अगर आपका भी अगर opinion मिल जाए ना, तो फिर you know it'll be easy for us. कोई फायदा ही नहीं है. जिया को एक grand wedding चाहिए और मुझे एक simple शादी. ये पॉसिबल ही नहीं कि हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज मैच कर सके. बेकारी में कंफ्यूजन हो जाएगा और आपका काम बढ़ जाएगा. तो जैसा जिया चाहते हैं वैसी ही शादी करें. एनीवेज एक्सक्यूज मी. यार माही, ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके गले में वरमाला नहीं पासी का फंदा लगने वाला हो? Shut up, rats. कुछ भी बोलती है तू, पागल है क्या? चुप कर. अरे नहीं यार, just look at him. ये पहला दूल्हा होगा जो अपनी शादी में इतना डाउन है. ओ रैक्स, कम ऑन. डाउन वाउन कुछ नहीं है, शादी पे यूजली गाइस ऐसे ही हो जाता है. आई मीन देखना उसे, थका हुआ होगा. देख वो कितना काम कर रहा है, और शादी के टाइम वो अक्सर ऐसे थोड़ी कंफ्यूज रहते. अरे नहीं, ये वैसे टाइप का नहीं लग रहा है. मतलब कैसे टाइप का लग रहा है? अनहैप्पी, सैड, डिप्रेस्ड. इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? उसकी शादी का, राइट? इतने सारे लोग, इतना प्यार भरा माहौल, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट. अब ऐसा क्या स्पार्क हो सकता है, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो रागिनी ने नोटिस की इन दोनों के बीच और इन दोनों ने? और हालांकि ये दोनों एक दूसरे से पहली बार ही मिले थे, राइट? ऐसा क्या था? वेल, टाइम विल टेल. वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास. ये है आशिकी, को प्रेजेंटेड बाय वाइनस्टोन, पावर्ड बाय कार्बन स्मार्ट. मोहित, अच्छे से पकड़ तो हिल रहा है. हाँ, मैंने पकड़ा है. वो फूलों की टोकरी कहाँ गई? 20 थी ना, यहाँ तो सिर्फ 19 है. अरे बाबा, 19 ही थी, मैंने चेक कर लिया था. सब कुछ अब तक वैसे क्या वैसा. अरे भैया, वो ऊपर ले जाइए. देखो, दुल्हा दुल्हन भी आ गए. हे यू, जस्ट बी केयरफुल, वो पेंट स्पॉइल नहीं होना चाहिए. ओके जिया, वो रागिनी है, माही की असिस्टेंट. माही की असिस्टेंट एंड लाइटिंग इंचार्ज. लाइटिंग की इंचार्ज हो ना, इसीलिए कह रही हूँ. टू बी केयरफुल विद पेंट्स एंड प्रॉप्स. और वैसे भी ये पूरा फार्म हाउस हमारी वेडिंग के लिए प्रॉपअप हुआ है, एंड यू नो दैट. सो प्लीज, नो मोर मिस्टेक्स. ओके जिया, वो अपना काम जानती है. तुम मैम, मैं आपका आपके रूम तक ले चलता हूँ. श्योर. सुनो, ये अंदर रख देना, एंड प्लीज बी केयरफुल, कोई चीज टूटने ना पाए. ओके, आई सी यू लेटर. श्योर. रागिनी, आई एम सॉरी, जिया का रूड होने का इंटेंशन नहीं था. मेरे ख्याल से वो शादी का स्ट्रेस में थोड़ा. कोई बात नहीं, दैट्स ओके. ओह गॉड, आई एम सो सॉरी, वो इतना ट्रैफिक था ना, आई जस्ट गॉट स्टक. ओके, सुपर ओके. मुझे तो ये एक साइन लग रहा है. कैसा साइन? गाइस, अगले 15 दिन में शादी है और 7 दिन में सारे फंक्शंस भी शुरू हो जाएंगे. माही, आई होप कि तुम मेरी एक्सपेक्टेशंस और अपने स्टैंडर्ड्स पर लिव अप करो. डोंट वरी जिया, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. लेट्स सी. Listen, we are in a hurry now, okay? वहाँ पर ना मुझे गेंदे के फ्लावर्स के स्ट्रिंग्स चाहिए. येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज.
दोनों के बीच केमिस्ट्री भी है और स्पार्क भी। अब मैं माहिक को प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि अब की बार स्पार्क दिखा तो उसको उस लड़के से मैं मिलवा के रहूंगी। अब प्रॉमिस किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही, राइट रागिनी? आपकी सीटिंग अरेंजमेंट। लेकिन ये जो टेबल्स हैं, इनका कलर स्कीम क्या होगा? या, वो मैं आपको बताती हूँ। यो, सो आपकी टेबल्स कुछ इस तरह की लगेंगी, ओके? व्हाइट कवर्स विद पीच रनर्स और व्हाइट लिली। नहीं, आई थिंक ब्लू। ब्लू रनर्स कैसे होंगे? आप सही कह रहे हैं, बट यू नो, ब्लू थोड़ा लाउड हो जाएगा। ट्रस्ट मी, पीच बहुत अच्छा दिखेगा। मैंने ब्लू कहा ना, तो ब्लू ही होना चाहिए। ओके, रागिनी, ब्लू रनर्स, ओके? ओके। और आपका स्टेज कुछ ऐसा दिखेगा जहां पर आप और आहान बैठेंगे। दिस इज नॉट वर्किंग, मुझे नहीं लगता ये अच्छा लगेगा। जिया, ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा लगेगा। हाय जिया। हे। हाय। Hi, Mahi. Hi. Come here. Ahan, don't you think jo hamari seating arrangement hai, don't you think it's very simple? Thoda plain nahi lag raha tumhe? Mujhe to bahut acha laga. You wanted elegant, right? Yeah, I wanted elegant, but boring nahi chahiye tha. Boring to bilkul bhi nahi hai. अगर मैं तुम्हारे lack of taste पर गई ना, तो फिर खाने में लोगों को पनीर और देसी whiskey मिलेगी। While I want cheese and wine, guys, I tell you. मैं चलता हूँ, I'll catch you guys later. Ahan, अभी तो हमें ड्रेसेस देखने भी जाना है, so come with me ना? Why don't you go and see it? वैसे मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हें लंच में मिलता हूँ। तुम्हें क्या काम हो सकता है? मुझे काम है, मैं लंच में मिलता हूँ। Alright, see ya. अच्छा माही, yes. जो जो चेंजेस मैंने करने को कहा है, make sure वो जल्द से जल्द हो जाए, okay? Sure, don't worry. राणा, हमने ब्लू रनर्स फाइनलाइज किए हैं। जस्ट मेक श्योर कि एक भी रनर्स पर क्रीज ना हो। यस मैम। या माही, माही, या हमें जिया और रहान से पूछ लेना चाहिए था कि उनको लाइट कौन सी कलर की चाहिए, येलो लाइट या ब्लू लाइट?
अब जिया तो चली गई है तो तुम अहान से पूछ लो ना। ठीक है, तुम दूसरे काम हैंडल कर लो, तब तक मैं अहान को जाके पूछ के आती। ओके। लॉ के लिए कौन सी लाइट्स यूज करें, या येलो वाली या ब्लू वाली? वरान, शादी के पहले ना सारी लड़कियां ऐसी हो जाती, थोड़ी हाइपर, थोड़ी क्रेजी, थोड़ी मैड और बहुत बहुत ज्यादा रेस्टलेस। प्लीज तुम जिया की बातों को अपने दिल पे मत लो। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सी वेडिंग्स प्लान की है और सारे वेडिंग्स के पहले ना ब्राइड्स ऐसी हो जाती है। एंड फ्रेंकली अभी तो शादी शुरू हुई है, देयर इज अ लॉट वर्स टू हैपन। लिखवा लो मुझसे। तुम जिया को नहीं जानते, वो शादी है इसलिए नहीं, वो हमेशा ऐसे ही रहती है। वेल, एक काम करते हैं, तुम ये दोनों लाइट्स में से ना चूज करो कि तुम्हें कौन सी चाहिए। तुम जैसा कहोगे ना बस वही करेंगे और जिया को इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। इट बी आर सीक्रेट। और अगर जिया को लाइट पसंद नहीं आई तो तुम्हारी नौकरी गई। वेल, लाइट्स तो शादी के एक दिन पहले लगानी है, ये पहले तो मेरा काम हो जाएगा। तुम बस बताओ तुम्हें कौन सी वाली लाइट चाहिए, ये येलो या ये ब्लू वाली? बहुत जिद्दी हो ना तुम। वो तो मैं बचपन से हूँ। ओके, सो टेल मी, येलो वन या ब्लू वन? इन माय ओपिनियन येलो वन। ओके, तो फिर हम येलो वाली यूज करेंगे। और अगर तुम्हें और कोई चेंजेस चाहिए ना तो फिर वो भी मुझे बता देना। ओके, जो मुझे दिखाई दे रहा है और इन दोनों को नहीं। और वैसे भी अभी तो सिर्फ फ्रेंडशिप ही हुई है। Yes, you're right, अभी फ्रेंडशिप हुई है, but you realize ना कि फ्रेंडशिप इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप। अगर गलती से इन दोनों की फ्रेंडशिप से आगे बढ़कर कुछ और हो गई तो यू रियलाइज ना रागिनी, जो हद से आगे बढ़ जाए उसी को तो प्यार कहते हैं, है ना? वाओ, यस, उसी को प्यार कहते हैं। मुझे पसंद आई तो मैंने अप्रूव कर दी, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो चेंज कर दो, अभी टाइम है तो सही। क्या मैं अभी यही सब करती रहूंगी? तुम्हारा लाइफ में कोई टेस्ट है भी या नहीं? जी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। एक्चुअली अहान को लाइट्स मैंने ही सजेस्ट किए थे, मुझे ये ऑप्शंस बताने चाहिए थे, बट आई एम सॉरी, इट्स नॉट हिज फॉल्ट, इट्स माय फॉल्ट, आई एम रियली सॉरी। Are you out of your mind? It's your fault.
आई मीन आहान से तो मैं टेस्ट की कोई एक्सपेक्टेशन कर नहीं सकती, पर एटलीस्ट तुम्हारा तो कोई टेस्ट है, तुम तो अपना दिमाग चला सकती थी ना। यू आर अ वेडिंग प्लानर, तो अपना काम ठीक से करो और अपना दिमाग चलाओ। गॉड डैम इट, आई एम पेइंग यू टू डू दिस जॉब वेल। इनफ जिया, इतना बड़ा सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ गॉड डैम लाइट। या गॉड डैम इट, इट्स माय वेडिंग, ओके, और मैं सीन क्रिएट करूंगी। तुम्हें ये लाइट अप्रूव करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए। जिया, मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। तुम्हारे ऑफिस में कोई तुम्हारा जूनियर नहीं हो जो एक एक डिसीजन तुमसे पूछ के लूंगा। मैंने एक डिसीजन लिया, तुम्हें पसंद नहीं आया, बिग डील, लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, अंडरस्टैंड? रियली, जस्ट फॉरगेट इट। आज मैं जिया पे पहली बार चिल्ला, वो भी माही के लिए, पर क्यों? आखिर माही लगती क्या है मेरी? अच्छा अच्छे से खा लो, अभी बहुत सारे काम करना है। हाँ, अब कम पड़े तो मुझे बोल देना, मंगवा लेंगे। ओ मैडम, फॉर यू। थैंक यू। अच्छा एक बात बता माही, लाइट्स तो आहान ने चूज की थी ना, तो फिर तुमने ऐसा क्यों बोला कि वो तुमने पसंद की है? बोल दिया ना बस, मुझे नहीं पता क्यों बोला। और तूने देखा जिया ने उससे किस तरह से बात की? सो व्हाट यार, वो उसकी फियांसे है, उसका तो हक बनता है आहान पर। हक माई फुट, कोई ऐसे किसी से इंसल्टिंग वे में कैसे बात कर सकता है? तुम्हें बुरा लगा क्या? मुझे क्यों बुरा लगेगा? जो मर्जी चाहे करे, मुझे क्या है? हाँ वो तो है, पर आहान को भी जिया पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था ना। क्यों नहीं, अगर वो चिल्लाती है तो ठीक, लेकिन अगर एक लड़का चिल्लाए तो प्रॉब्लम है। क्यों, देखा उसने मुझसे किस तरह से बात की? आई नो या माही, पर जब जिया आहान पर चिल्ला रही तब आहान ने कुछ नहीं कहा, पर जैसे ही उसने तुम पर आवाज उठाई आहान उस पर चिल्लाया। That's very strange ना? Strange तो है, पर आहान ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या पता, जिया का तुम पर इस तरह चिल्लाना आहान को अच्छा ना लगा हो, जैसे तुम्हें अच्छा नहीं लगा था। ओके व्हाटएवर, तुम प्लीज गार्डन में जाके देखो कि लाइट्स की सेटअप हुई है क्या। ओके, खाना खा लेना। आई यू कांट डू दिस, ये आहान की शादी है और तू आहान की वेडिंग प्लानर है, सिर्फ एक वेडिंग प्लानर। माही ये तो नहीं कर सकती, ये गलत है। फ्रेश फ्लावर्स है ना? ओके, और ये सारे कैंडल्स मुझे सारे टेबल्स पे चाहिए, ठीक है? और ये वाले भी। हाय हाय, अब हाँ वन सेक, हम लोग ये गेस्ट की राउंड टेबल्स पर ये सेंटरपीस रखने का सोच रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक? केज, परफेक्ट, सुपर। अगर ये शादी से खुश नहीं हो तो क्यों कर रहे हो? लाइफ में सब कुछ इतना आसान नहीं होता, जिया के बहुत एहसान है मुझ पर, मेरे करियर पर। आज मैं जो कुछ भी हूँ जिया की वजह से हूँ। सो सो
So I owe it to her. शादी कोई पार्टी सिस्टम नहीं है जिसमें एक चीज दी और दूसरी ली। करियर में हेल्प करना और किसी से प्यार होना दो अलग अलग बातें हैं। और प्यार कोई उधार नहीं है जिसे चुकाना पड़े। प्यार तो बस प्यार है। आज तो संगीत पे नाच ले, फिर तो जिंदगी भर जिया की उंगली पे नाचना पड़ेगा। क्या तुम इन खुशियों का हिस्सा नहीं बनो? प्लीज आज तो भाई गाड़ी चलाया। आज चलाएगा क्यों नहीं? चलो बैठो बैठो, कोई बात सुबह। हाँ हाँ सब लोग तो जा चुके लेकिन हमारा मेन हीरो दूल्हा यहीं पे खड़ा है। क्यों? ये सब रैप अप कौन करेगा? बस यही काम बाकी है, वही फिनिश करो। तुम अवॉइड कर रहे हो ना? माही के बारे में सोचना अवॉइड कर रहे हो ना? जब सब कुछ पता है तो पूछ क्यों रही हो? तुम्हें भी तो सब पता है अहान, तो यहाँ पे क्यों खड़े हो? तीन तीन लोगों की लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो? अभी शादी होने वाली है, हुई नहीं है। इट्स सो ऑब्वियस, तुम और माही एक दूसरे के लिए बने हो। एक ही हफ्ते में तुम दोनों की केमिस्ट्री उतनी है जितनी 5 साल में तुम्हारी और जिया की नहीं हो पाई। प्लीज अहान, ये शादी तोड़ दो और माही से जाके कह दो कि तुम उसे प्यार करते हो। मैंने माही की आंखों में तुम्हारे लिए वही प्यार देखा है जो तुम्हारी आंखों में मैंने माही के लिए देखा। प्लीज टाइम वेस्ट मत करो और जाके अपनी दिल की बात कह दो माही से। माही, तुम्हारी शादी का मंडप सजा रही। किसको पूछ के तुमने ये लाइट्स चेंज की? मैंने कहा था तुमसे वाली लाइट्स लगाने हैं। नहीं ना, जल्दी जाके दूसरी वाली लाइट्स लेके आओ, जल्दी जाओ। और मोहित, तुम वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी जाके रागिनी को बुला के लाओ यहाँ। रागिनी, रागिनी इज दैट यू? अच्छा सुन, वहां पर वो इमरजेंसी लाइट रखी है, प्लीज जरा ऑन कर देना। रागिनी जल्दी करना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
लेकिन मुझे तो सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। एक मिनट मुझसे बात करो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही, मैं बस काम में थोड़ा बिजी हूँ और कुछ नहीं। तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं करोगे, ऐसा क्या काम है जो? I am your wedding planner, God damn it. मैं दिखाई नहीं देता, हमारी शादी है कल, जिया के साथ। समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? मत करो ये सब, मत कहो कुछ भी प्लीज। लेकिन क्यों? लाइफ में इतने सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि जी में जो कुछ है वो सब कुछ कह दूं, दिल में जो कुछ है वो सब कुछ बता दूं। एक अजीब सी फ्रीडम फील करता हूं तुम्हारे साथ, जो आज तक मैंने लाइफ में फील नहीं करी। किसके कारण जानती हो? नो हाँ, तुम्हारे कारण माय। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। नो हाँ प्लीज। मेरी आंखों में देख, लुक एट मी, सच कहो, क्या तुम ऐसा फील नहीं करती? क्या हमें खुद से झूठ बोलना चाहिए? क्या हमें ये झूठ बोलना चाहिए कि हम साथ में खुश नहीं रह सकते? क्या हमें ये डिनाई करना चाहिए कि We can be something together. मैडम वो लाइट का स्विच। Yeah, we need to talk. आहान, ये तुमने कौन सा कुर्ता पहना है? और तुम्हारी शेरवानी कहाँ है? तुम्हें पता नहीं है? शादी से पहले दुल्हन को देखना बैड लक होता है। Anyways, tell me how am I looking? जिया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, are you alright? I mean, तुम इतना serious क्यों लग रहे हो? Look, Ahan, मैं शादी की वजह से already बहुत ज़्यादा nervous हूँ। Please अभी मुझे और nervous मत करो, जाओ जाके तैयार हो जाओ। जी हाँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वेडिंग प्लानर, तूने कभी तेरा सोचा है? तेरी लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग कब मिलेगा? जब प्रिंस चार्मिंग आएगा सफेद घोड़े पे। व्हाट यार रागिनी, तुझे तो पता है ना मुझे लव में रोमांस में कितनी दिलचस्पी है। लेकिन रोमांस करने के लिए कोई तो चाहिए राय। अब मैं मंडप में खड़ी अकेले अकेले थोड़ी ना फेरे लूंगी। मैडम, प्रिंस चार्मिंग तो तब मिलेगा ना जब तू लड़कों से मिलेगी। लगता है तेरे ही काम भी ना मुझे ही करना पड़ेगा। Really? Of course, darling. अब
कभी भी गलती से किसी के साथ भी ना तेरा स्पार्क दिखाना, तब देखना चुटकी मिना तेरी सेटिंग करवा दूंगी। लेकिन अब इस शादी पे कॉन्सेंट्रेट कर ले, यू नो जिया द बॉस आती ही होगी। हाय आई एम जिया। हाय आई एम माही योर वेडिंग प्लानर। माय फेरी टेल प्लानर। फेरी टेल ही मिलेगा, इफ दैट्स व्हाट यू वांट। गुड, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर हम सब सेम पेज पर होंगे तो बेटर होगा। यू नो मेरी जो फेरी टेल वेडिंग है उसका कीवर्ड है लक्जरी, एक्सक्लूसिव, एक्सपेंसिव एंड एक्सट्रावेगेंट। यस एंड वन मोर थिंग, मैंने तुम्हें एक रिवाइज्ड गेस्ट लिस्ट फॉरवर्ड की थी जिसमें से कुछ गेस्ट के नाम मैंने क्रॉस आउट कर दिए थे बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि मेरी वेडिंग में वो क्रास और लाउड रिलेटिव्स आए। यू नो वैसे भी इट्स अ साउथ मुंबई वेडिंग सो उसमें वो टिपिकल अंकल जीज और आंटी जीज सूट नहीं करेंगे, है ना? या ऑफ कोर्स, या यू आर राइट, बट जस्ट फॉर अ क्लियर पिक्चर, क्या मैं एक बार दूल्हे से मिल सकती हूँ? यू नो अगर आप दोनों की ओपिनियंस मिल जाए तो फिर ऑफ कोर्स मिल सकती हूँ, वो बाहर ही है। उसका भी ओपिनियन ले लो, गो अहेड। ओके कम रागिनी। हे माही, वन मोर थिंग, ओपिनियन लेने में कोई हार्म नहीं है लेकिन एक बात याद रखना, मेरी वेडिंग में सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं चाहती हूँ। करेक्ट? श्योर। चलो रे। ओके रागिनी, सब नोट डाउन कर लिया। अच्छा जैसा बी कैसल। भैया ये बीच में क्यों रखा है? वो जल्दी टोकरी आप अंदर लेके जाइए, बहुत लेट हो जाएगा। और ये यहाँ से सब लाइटनिंग सुन तू को क्योंकि मुझे माही नहीं मिली थी माँ, इसलिए भाई तुमने मुझे दोबारा उस लड़के से मिलवाया जो मेरे अंदर कहीं दब चुका था। लाइफ स्ट्रेस, करियर की टेंशन एंड व्हाट नॉट, मैं भूल ही गया था कि डीप डाउन आई एम अ नॉर्मल गाय, मेरे सिंपल लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, कोई हाई फाई आइडियाज नहीं। मैं खुद को जानने लगा हूं माही, मेरा मुझी से दोबारा इंट्रोडक्शन तुमने करवाया। सच कह रहा हूं माही, अगर आज तुमने मना कर दिया तो मेरी किस्मत में शायद अकेला रहना लिखा है, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने मेरी लाइफ को मीनिंग दिया है। भाई तुम मुझे पूरा कंप्लीट करती हो। भाई विल यू मैरी मी? Right here, right now. हाँ कर दो बेटा। है बावरी ये आशिकी गुस्ताख सी ये आशिकी बेबाखूबी। Yes, yes, I'll marry you. I love you, Mahi. I love you too, Ahan. Yes, Mahi, Ahan, तुमने कर दिखाया। You know, अगर डेस्टिनी में दो प्यार करने वालों का मिलना लिखा होता
तो फिर चाहे कोई भी क्यों ना, कोई भी ताकत उनको मिलने से रोक नहीं सकती। एंड नाउ आई पर्सनली बिलीव कि लव हीरोज डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं डेस्टिनी रागिनी और रागिनी जैसे दोस्तों की तरफ क्यूपिड बनकर दो प्यार करने वालों को मिलाती है। एंड आई थिंक यू नो गाइस, लव इज ऑल अबाउट बिलीफ। प्यार में पढ़ने के लिए प्यार पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। अब वो प्यार चाहे आपको हो, मुझे हो, या ब्राहन और माही, इट्स ऑल अबाउट बिलीफ। वेल हियर इट इज, मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल लव स्टोरी टू मेक यू गाइस फॉल इन लव विद अस वन मोर टाइम। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।